नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटीएन न्यूज झारखंड में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर घाटशिला अंतर्गत आसना पंचायत के ग्राम लोहा मालिया में चर्चित समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन पहुंची और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे छात्रों को किताबें दी और छोटे बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री और पेंसिल आदि का वितरण किया। छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने कहा कि शिक्षा से ही आदिवासी समाज का विकास संभव है। आज विश्व आदिवासी दिवस पर प्रण करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि समाज के लिए अपने स्तर से काम कर सके। मौके पर एवंस ऑफ चिल्ड्रेन के अध्यक्ष रामचंद्र मुर्मू, झारखंड आंदोलनकारी दुखीराम मंडी, नीमा रजक, रघुवंश मिश्रा, सनी मांडी, महेश्वर हेम्ब्रम, मदन टूटू समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थानंद की। वही विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी एकता मंच की तरफ से तिलका मांझी चौक डिमना से डाल पानी गाँव तक आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया गया। सबसे पहले जुगसराई विधायक मंगल कालिंदी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर तिलका मांझी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद विधायक ने सरना झंडा दिखाकर आदिवासी स्वाभिमान यात्रा को रवाना किया। मौके पर विधायक ने कहा कि हम लोगों ने पिछले साल हमारे युवा मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि आदिवासी दिवस पर राजकीय छुट्टी की जाए। मुख्यमंत्री उसी समय कहा कि इस साल तो पार हो गया, अगले साल से आदिवासी दिवस पर राजकीय छुट्टी रहेगा और इस साल से छुट्टी का घोषणा किया गया। इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं। यात्रा में लगभग 250 मोटरसाइकिल सवार शामिल थे। मौके पर सुनील हेम्ब्रम, लक्ष्मीपूर्ति, मदन सोरेन, राखल सोरेन, दुर्लभ बेसरा, मोहन हेम्ब्रम समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर शहजादा खंड सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। वही विश्व आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर किसान आंदोलन एकजुटता मंच की ओर से साक्षी में एक रैली निकाली गई। यह रैली विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए बिरसा चौक साक्षी गोल चक्कर में आकर एक सभा में तब्दील हो गई। यहां पर लोगों ने साक्षी गोल चक्कर में से बिरसा मुंडा के स्मारक को श्रद्धा निवेदन किया और माल्यार्पण भी किया। सभा में वक्ताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम उसी जगह पर खड़े हैं जब 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आज भी वही नारा लग रहा है, करो या मरो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय आरएसएस के लोग इसका विरोध कर रहे थे, आंदोलन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, पुलिस की मुखबिर कर रहे थे और आज भी देश भर में चल रहे जन आंदोलन के साथ वही किया जा रहा है। आज यदि यह तीनों काला कानून पास हो जाए तो अनुबंध खेती के माध्यम से झारखंड में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए बना तमाम कानून, सीएनटी, एसपीटी एक्ट, पैसा कानून, पांचवें अनुसूची, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज की सभा में मुख्य रूप से कुमार चंद्र, सिया चरण सर, डॉक्टर बीएन प्रसाद सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जमशेदपुर से मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल के नेतृत्व में साक्षी आम बगान मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि धनबाद में छात्र छात्राएं शांति तरीके से मांग रख रहे थे, जहां पे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उपस्थित थे। वहां पर स्थानीय एसडीएम ने अपने बाबाई के लिए छात्र छात्राओं के साथ जो लाठी चार्ज की वे बहुत ही निंदनीय है। सरकार रोजगार तो नहीं दे रही, सिर्फ अपने हिटलर से ही रवैया चला रही है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से राजपाल महोदय से मांग करते हुए एसडीएम को जल्द से जल्द बर्खास्त करने की मांग की। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजयुमो जिला महामंत्री अभिमन्यु सिंह चौहान जी ने कहा कि युवा विरोधी हेमंत सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विगत दिनों धनबाद में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में निर्दोष छात्र छात्रा के ऊपर एसडीएम के द्वारा अंधाधुंध लाठी बरपाया गया, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है तो बेटियों को माँ दुर्गा के रूप में पूछते हैं, वहीं निकम्मी हेमंत सरकार छात्र छात्राओं के ऊपर लाठियां बरसा रही है। मौके पर भाजयुमो जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष अमित अग्रवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष बबुआ सिंह, भाजयुमो जमशेदपुर महानगर महामंत्री अभिमन्यु सिंह, सूरज कुमार, अमित सिंह, अभिषेक डे, अजय पंचम, विजय ओझा समेत जिला कार्य समिति सदस्य एवं सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित थे। जमशेदपुर से नेहा अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। ज्ञात होगा कि पिछले दिनों जो धनबाद में छात्रों के ऊपर एसडीएम द्वारा जो अत्याचार, जो तानाशाही, जो लाठीचार्ज हुआ था, आज उसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष अमित अग्रवाल के नेतृत्व में आज हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और यहाँ से सभी हम लोग जाएंगे एक साथ
डीसी महोदय को ज्ञापन, डीसी महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, इस तरह का दर्दनाक घटना दोबारा नहीं घटना चाहिए और जो एसडीएम उस दिन उस जगह कार्रवाई करे तो उसका उसे बर्खास्त करना चाहिए, उसे निलंबित करना चाहिए और दोषियों पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। जिले में हेमंत सरकार की अपने आप में पूरे भारतवर्ष में पूरे हिंदुस्तान में ये शर्म की बात है। आज छात्राएं सब भयभीत थे, यहाँ अपने हक की मांग को लेकर के छात्र छात्राएं अपने हक की मांग को लेकर के जैक में फेल हुए अभ्यर्थी जांच की मांग करने को लेकर के जाते हैं, तभी एसडीओ साहब वहां पर लाठी बरसाते हैं। ये अपने आप में शर्म की बात है। एसडीएम साहब को ये समझना चाहिए कि एक छात्राओं पर लाठी जो बरसाई जा रही है ये असंवैधानिक है, उनके अधिकार उनके हक की लड़ाई है, ये उनको समझनी चाहिए। उनकी बातों को रखने का पूरा अधिकार है, ये उनके अधिकार का हनन किया जा रहा है। इस पर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्ण जोर से विरोध करने के लिए आज यहाँ साक्षी आम बगान में बैठे हैं। श्रीमान जिला अध्यक्ष हमारे युवा मोर्चा के श्रीमान अमित अग्रवाल जी के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी घाटशिला मंडल की ओर से आज तमुक पाल के डूंगरी टोला में विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर वहां रह रहे लोगों के बीच अंग वस्त्र बिस्किट चॉकलेट एवं मास्क का वितरण किया गया। अवसर पर लोगों को मोदी जी के चल रहे जल कल्याणकारी योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। मौके पर मुख्य रूप से घाटशिला मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे, उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उपाध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, उपाध्यक्ष स्वप्न मुंडा, मंडल कमेटी के सिद्धार्थ शर्मा, प्रतीक सोनी एवं उत्पल साहू समेत भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। घाटशिला अंतर्गत बड़ा खुशी पंचायत के पैरागुड़ी गांव की आदिवासी महिला सीता सिंह ने बसंती संगीत करीब 5 एकड़ जमीन पर कुछ लोगों ने वर्षों से कब्जा कर रखा। इसे लेकर पीड़ित महिलाओं ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विश्व आदिवासी दिवस के दिन पीड़ित महिलाओं ने भाजपा नेताओं संघ प्रखंड कार्यालय के समक्ष अपने अधिकार की मांग को लेकर आवाज बुलंद किया। मामले को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे ने सीईओ से फोन पर बात कर पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर सिर्फ सरकारी छुट्टी देने से आदिवासियों का भला नहीं होगा, सरकार को धरातल पर काम करके दिखाना होगा। बीते कई दिनों से अपनी ही जमीन पर अधिकार के लिए आदिवासी महिलाओं को दौड़ना पड़ रहा है। मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय पांडे, मंडल उपाध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, सपन सिंह मुंडा, सिद्धार्थ शर्मा काफी संख्या में भाजपा उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कृषि विभाग झारखंड सरकार की ओर से झारखंड मंत्रालय रांची में किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशुधन वितरण को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में बादल पत्रलेख उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका एवं बोकारो के किसानों से वर्चुअल वार्ता किया। इसी को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशुधन वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी एवं बहरागुड़ा के विधायक समीर महंती उपस्थित थे। अवसर पर उपस्थित विधायकों ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों का भी अहम योगदान रहा है, इसमें भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चंद भैरव, तिलका मांझी आदि शामिल है। उन्होंने देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। मौके पर डीडीसी परमेश्वर भगत, निदेशक डीआरडी सौरभ कुमार सिन्हा, पीटीओ पूर्वी सिंहभूम, डीएओ पूर्वी सिंहभूम, डीएएचओ पूर्वी सिंहभूम, एलडीएम पूर्वी सिंहभूम आदि उपस्थित है। जमशेदपुर से साइका परवीन एवं नीतू दुबे की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस जिला के समस्त जनता को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई एवं जोहार। आज माननीय मुख्यमंत्री सर के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में इस आयोजित कार्यक्रम में हम लोगों के द्वारा केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड उनके लाभुक एवं पशुधन के लाभुकों को हम लोगों ने यहां पर लाभ वितरित किया है। माननीय मुख्यमंत्री सर की ये सोच थी कि इस जिले के जितने भी राज्य के जितने भी जिले हैं समस्त जिलों में यहां किसानों को जो रिक्वेस्टेड सामान है वो इस आदिवासी दिवस के मौके पर मिलना चाहिए। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभुकों को केसीसी के लाभ से जोड़ना सुनिश्चित करवाया था। लगभग 1,21,000 लाभुकों में 70,000 लाभुकों का ऑलरेडी केसीसी योजना का जो लाभ है हम लोगों ने दे दिया था। 49,000 लोगों का और लाभ मिलना था जिसमें हम लोगों ने 25,000 आवेदन जो है वो कलेक्ट कर लिए और उसमें आज 17,042 लाभुकों को हम लोगों ने यहाँ पे केसीसी लोन का लाभ दिलाया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लगभग 1200 लोगों को लाभुकों को हम लोग उसका लाभ देना था। इसमें बतख पालन,
सुअर पालन एवं बकरी पालन की योजनाओं में लाभुकों को लाभ देना था। इसका लगभग 80% लक्ष्य जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने 29 लोगों को यहाँ पे लाभ देना सुनिश्चित करवाया है। साथ ही साथ प्रगतिशील डेयरी फार्मर जिनके पास 10 लीटर से ज़्यादा की दुग्ध उत्पादन की क्षमता है, वैसे भी डेयरी फार्मर्स को हम लोगों ने उनके डेयरी फार्म विकसित करने के लिए 5 गायों 10 गायों का लोन एवं डी बोरिंग की सुविधाओं के लिए जो है यहाँ पे आज लाभ सुनिश्चित करवाया है। अगले पूरे जो महीने हैं अगस्त का और सितंबर का, इसमें हम लोगों की कोशिश है कि हर एक वो किसान भाई बहन जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान से वंचित रह गया है एवं जिनको KCC लोन नहीं मिला है, अब हम लोग उसके लिए मैसिव कैंप लगाना सुनिश्चित कराएंगे। ना सिर्फ वो किसान जो कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना से जुड़े हुए हैं बल्कि अन्य लोग भी जो कि वंचित रह गए उनको इमीडिएटली स्कीम से जोड़ करके और KCC का लाभ हम लोग दिलाना जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। इसमें हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि डिफरेंट कैंप से इस मंथ लगभग हम लोग 50,000 और KCC लाभुकों को और KCC का लाभ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ सुनिश्चित करवाएंगे। कितने लोग 17,000 उत्तरी मोहनर पंचायत के भादुडी गांव में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व जिला पार्षद राजू कर्मकार सिद्धू कालू के फोटो पर माल्यार्पण किए तथा राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समाज के उल्लेखनीय योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके साथ ही आदिवासी समाज को उनके विशेष दिन की बधाई भी दी। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत दाहीगोड़ा सर्कस मैदान के समीप बाइक एवं स्कूटी के बीच टक्कर होने से स्कूटी सवार लालडी निवासी प्रशांत नमाता एवं विजय हेमरम घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए स्वर्णरेखा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया जहां घायल युवक को प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर MGM भेजा गया। सूचना मिलने पर स्थानीय घाटशिला पुलिस मामले की जाँच की। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव से चर्चित समाज सेवी बाबूलाल सोरे ने दामपाड़ा के सिलडुंगरी में दामपाड़ा की युवाओं के साथ मिलकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। अवसर पर दामपाड़ा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम बाइक रैली की। इसके बाद सिलडुंगरी चौक में स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू की आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण किया। दामपाड़ा से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। घाटशिला के कीताडी में बहादुर सोरेन की अध्यक्षता में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आज आदिवासियों की संख्या में गिरावट आती जा रही है। आदिवासी ही वे लोग हैं जिन्हें हमें प्रकृति को बचाने की सीख मिलती है कि किस प्रकार हमें अपनी प्रकृति माता को प्रेम करना चाहिए। आदिवासियों की घटती जनजाति को बढ़ाने के लिए और आदिवासी के अस्तित्व को बचाने के लिए हर साल 9 अगस्त को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घाटशिला से जीटीएन के लिए रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, जीत कर, जीत कर, वीर सिद्धू कन्हू चांद भैरव फूलो जानो जीत कर, जीत कर, जीत कर, वीर सिद्धू कन्हू चांद भैरव फूलो जानो जीत कर, जीत कर, जीत कर, बाबा तिलका मांझी जीत कर, जीत कर, जीत कर, बाबा बिरसा मुंडा जीत कर, जीत कर, जीत कर, वीर गुरु हो था सदा तरा अबोहा, वीर गुरु हो था सदा तरा अबोहा, नौ अगस्त विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नौ अगस्त विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज ही सबसे पहले 27वां विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पूर्वी पश्चिम माझी परगना महल द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को और भारत के सभी तमाम आदिवासियों को आदिवासी दिवस के हुल जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस क्यों ऐसा जरूरत पड़ा? विश्व आदिवासी जब हमारे यहाँ आदिवासियों के भारतीय संविधान में मिली मौलिक अधिकार पर कहीं भी अमल ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे आज गहन पूर्वक विचार करने का वास्ते आज हमारे पूरे भारतवर्ष में हर गांव में हर क्षेत्र में गली में आज ये आदिवासी दिवस मना रहा है और आदिवासी हित के लिए बात करते हैं कि आदिवासी हितासी की बने हुए अपने जो कानून बने हुए उस कानून को कैसे हम लोग इसको अमल में रखा है लाएंगे और जो भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़े थे
भारत देश आजाद होने की पहचान, आज अलग राज्य बना हमारा 21 साल होने के बाद झारखंड राज्य गठन होने की पहचान भी आज आदिवासियों को दिए गए कानून संविधान में आज अग्रवाल नहीं हुआ है। चाहे संताल परगना टेंडेंसी के SPT एक्ट हो गया और ये छोटे नंबर कश्ताकारी कानून CNT एक्ट आज भी कहीं कानून अमल नहीं हुआ है। साथ ही अब 1996 24 दिसंबर में भारतीय संविधान में पेशा एक कानून हुआ, पेशा के तहत ग्राम सभा को मान्यता मिला बात है। इसीलिए हम लोग माझी परगना महल से और से हम लोग प्रयासरत है उन महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने अपने सपना देखा था कि यहाँ के आदिवासी सुख का समान शांति में रहेंगे, आज तक नहीं हुआ है, उनके सपना को साकार करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हर ये क्षेत्र में जहाँ पर जितने आदिवासी लोग बसे हुए हैं, आदिवासी मैंने हर समुदाय के लोग, आदि युग से बसे हुए लोग, वो सभी का शांति आश्वासन बना रहे, सबके हितासी कानून बना हुआ, सबका साथ अच्छा व्यवहार हो और यहाँ शिक्षा गुणवत्ता शिक्षा हो। आज हम लोग गुणवत्ता शिक्षा नहीं होने के कारण आज जैसा शिक्षा वैसा समाज कहा जाता है, हमारा सच्चा शिक्षा के कारण आज हमारा नीचे स्तर में हम लोग के शोषित पीड़ित हो रहा है। आज लॉकडाउन में 2 साल में लॉकडाउन हुआ और जिस पर बहुत वृहद रूप से शिक्षा पर हमारा गिरावट हुआ और समाज हमारा गिरा। हम लोग सोचते हैं कि हमने पूर्वजों ने जो दिया हुआ है, चाहे बाबा अम्बेडकर संविधान लिखा हुआ हो या संविधान का जो भी बना हुआ है, सब सर्ववादी समवादी समाज के लिए सामूहिक हित के लिए ये बना रहे, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहते रहेंगे। इसी चंद शब्दों के लिए साथ हम सबको पुनः धन्यवाद जोहार।